हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सचिन। आज हम देखने वाले हैं जो सीमेंट बैग होती है उसके ऊपर जो एक्सपायरी डेट नहीं बल्कि जो मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखे वाली होती है वो कैसे चेक की जाती है। नॉर्मली मार्केट में जो अदर प्रोडक्ट मिलते हैं अदर देन सीमेंट, उनके ऊपर जो मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है वो बहुत इजीली लिखे वाली होती है। उसमें अंदर क्या लिखे वाला होता है, सबसे पहले डेट होती है, बीच में मंथ होता है और एट द एंड मैन्युफैक्चरिंग ईयर होता है। बट ये जो सीमेंट बैग होती है यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग डेट होता है वो सबसे थोड़ा अलग होता है। नॉर्मली आप कोई भी आप देखेंगे, सब जिनको नॉलेज नहीं है वो ऐसा जो कोई देखेगा तो उनको समझ में भी नहीं आता है आखिर वो सीमेंट बैग के ऊपर लिखे वाला क्या है। इसलिए थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए सीमेंट बैग के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट देखने से पहले। चलो फ्रेंड, जाके देखते हैं सीमेंट बैग के ऊपर आखिर लिखे वाला कैसा होता है और उसे समझना कितना आसान होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो देख सकते हो यहाँ पे सीधा सीधा क्लियर लिखे वाला है, 1 2 3 4। एक एम्प्टी बैग देखेंगे कि कैसा चेक करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले यहाँ पे ISI ट्रेडमार्क चेक करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जो है ISI ट्रेडमार्क ये वाला है, उसके बाद जो आता है जो कंपनी का सीमेंट होता है वो उसकी जो स्पेलिंग होती है वो करेक्ट है या रॉन्ग है वो चेक करना बहुत जरूरी है। जो फेक प्रोडक्ट होते हैं उसमें ये स्पेलिंग जो होती है वो मिस्टेक होती है, आगे पीछे होती है। इस बैग में जो स्पेलिंग है वो बराबर है। इसके बाद जो आप डेट चेक करते हो साइड के बैग बैग के साइड पे होती है, जैसे कि आप देख रहे हो जो नंबर है यहाँ पे 1 2 3 4 5, इसमें से ये जो पहला 9 दिखता है ये होता है द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे 9th तारीख है। यहाँ पे ये जो दिख रहा है सेकंड, ये होता है वीक। ये वीक जो होता है ये 15th वीक है। यहाँ पे जो 2000 सपोज ये 2021 है तो यहाँ पे 2021 से 1 जनवरी से लेकर यहाँ पे ये 15वां वीक है। उसके बाद ये जो 04 दिख रहा है ये है मंथ, ये जो दिख रहा है ये मंथ है। उसके बाद जो लास्ट में ये दिखता है 2021 ये होता है ईयर। इस बैग में इस तरह से लिखे वाला होता है, जैसा कि सबसे पहले होता है डेट, उसके बाद होता है वीक, उसके बाद होता है मंथ, एट द एंड होता है ईयर। यहाँ पे देख सकते हो। और ये जो बैग होते हैं इसके ऊपर लिखा वाला रहता है, जो बैग होती है बेस्ट बिफोर 3 मंथ यूज करना चाहिए। यहाँ पे जो लिखे वाला है यूज बेस्ट बिफोर 3 मंथ ऑफ पैकिंग। यहाँ इस बैग में कोई एक्सपायरी डेट लिखे वाली होती नहीं है। इस पैकिंग डेट से यहाँ पे जो हमने दिखा था पैकिंग डेट उसी डेट से हम अंदाज़ा कैलकुलेट करना पड़ता है कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या होती है। यहाँ पे सीधा सीधा लिखे वाला है कि अगर आपका सीमेंट 3 मंथ के ऊपर वाला है तो आप पहले सीमेंट चेक कीजिए, बाद में ही उसे यूज करिए। अगर सीमेंट वो एक्सपायर होता है तो आप उसे रिटर्न कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।